फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपकी डिमांड थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपने कहा था आपको ब्राइडल मेकअप भी बताया जाए, दुल्हन मेकअप, ब्राइडल मेकअप और दुल्हन मेकअप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दुल्हन और ब्राइडल मेकअप में बस इतना डिफरेंट है कि यह रिंग सेरेमनी के लिए तैयार हो रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यह हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ सीखती हैं। तो फ्रेंड्स, आज इन पर ही ये अप्लाई किया जा रहा है। मैं आज आपके लिए खास आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप भी सीख सको, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो हमारे स्टूडेंट को सिखाया जाता ही है और आप भी सीख सकते हो हमारे साथ। तो मैं आपके लिए ही लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, इनके स्किन पे पहले CTM किया गया है, उसके बाद प्राइमर अप्लाई किया जा रहा है। तो प्राइमर को अच्छे से अप्लाई करना होता है स्किन पे। और CTM का मतलब मैं आपको बता दूँ, CTM का मतलब होता है क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो आपको क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग पहले करना होगा स्किन पे, उसके बाद आप यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर सकते हो। और प्राइमर को अच्छे से मिक्स करना होता है स्किन पे, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छे से मिक्स करोगे आप यहाँ पे प्राइमर को स्किन पे, अच्छे से अप्लाई करना, मिलाना और अप्लाई करना, ठीक है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद हाथों से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे इनके, उसके बाद आप डायरेक्ट इनके स्किन पे फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, यानी कि मेकअप अप्लाई कर सकते हो। क्या है कि कंसीलर भी लगा सकते हो, बट कंसीलर लगाना ज़रूरी नहीं होता है, हर स्किन पर कंसीलर लगाना ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि कंसीलर जिनके स्किन पे पैचेस होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, झाइयाँ वगैरह होती हैं, रिंकल्स होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्किन पे जिन्हें कंसीलर हाइड करता है। तो हाइड करने के लिए कंसीलर लगाते हैं, तो इनके स्किन पे कहीं पे भी कोई दाग धब्बे थे ही नहीं, तो इनके स्किन पे डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई किया गया है। आप डायरेक्ट भी फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो बिना कंसीलर लगाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। इसमें आपको प्रोडक्ट दिखाया नहीं जा रहा है क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए आपको प्रोडक्ट नहीं दिखा रही हूँ। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसमें इस्तेमाल किए जा रहे सारे प्रोडक्ट मैं लेकर आऊँगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेकअप स्किन पे अप्लाई कैसे करते हैं। आप सिर्फ इस बार सीख लो कि मेकअप अप्लाई कैसे करते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, वह मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। मैं अगले वीडियो में आपको सारे प्रोडक्ट लेकर आऊँगी और आपको उनके बारे में जानकारियाँ भी दूंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसके बाद फाउंडेशन लगाने के बाद आप लूज़ पाउडर डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करना, उसके बाद आँखों के ऊपर आपको कंसीलर अप्लाई करना है। तो दोनों आई के ऊपर आपको कंसीलर इस तरह से अप्लाई कर लेना है और उसके बाद अच्छे से ब्लेंड भी कर लेना होगा। कंसीलर भी एक शेड स्किन से दो शेड ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो कंसीलर भी कई तरह के आते हैं मार्केट में, तो मैं आपको बताऊंगी स्किन पे कौन से कंसीलर यूज़ कर और कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंसीलर लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लेना ब्यूटी ब्लेंडिंग से, ठीक है। और ब्लेंड करने के बाद लूज पाउडर लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो यहाँ पे कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद आप यहाँ पे लूज़ पाउडर अप्लाई कर लेना इस तरह से, उसके बाद ही आप मेकअप अप्लाई कर सकते हो। और क्या है कि फ्रेंड्स, आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, ठीक है। जब कंसीलर आप अप्लाई करते हो, लूज़ पाउडर भी लगा लेते हो, तो क्या है कि जब तुरंत आप मेकअप अप्लाई नहीं करना। क्या है कि मेकअप थोड़ा सूखने देना उसे, ठीक है ना, ड्राई होने देना। अगर थोड़े से ड्राई हो जाते हैं तो आप मेकअप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। अब अगर आप जस्ट तुरंत अप्लाई कर देते हो तो थोड़े से थिक दिखते हैं। क्या है कि थिक दिखेगा, कहीं कहीं पे जमा हुआ सा दिखेगा। तो आप यहाँ पे थोड़े से सूखने देना, ड्राई होने के बाद आप इस तरह से लगा सकते हो आई के ऊपर, ठीक है। एक तो आपको मैं बता दूँ, इनकी आँखों पर एक पिंक शेड अप्लाई किया गया है, पूरे आँखों पर पिंक शेड अप्लाई किया गया है ताकि एक कट क्रीज बनाना है। तो कट क्रीज जब बनेगी तो यह पिंक शेड हाइड हो जाएंगे, आधे तो एक हाफ कट क्रीज बनाना है, ठीक है। हाफ कट क्रीज बनाते ही आपका ये पिंक शेड एक हाइड हो जाता है यहाँ पे थोड़ा से। तो आपको इस तरह से हाफ कट क्रीज बना लेना है कंसीलर से,
और उसके बाद इस पे लूज पाउडर अप्लाई कर लेना। जैसा कि मैंने बताया था ना कि थोड़ा ड्राई होने देना, उसके बाद ही आप मेकअप अप्लाई करना, तो यहाँ पे वैसे ही किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंसीलर लगाने के बाद उस पे लूज पाउडर लगाया गया है, उसके बाद ही यहाँ पे इस पे मेकअप अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेकअप जो आप देख सकते हो ऊपर में जो अप्लाई किया गया है वह गोल्डन और कॉपर से मिक्स कर लगाया गया है। और यहाँ पे आंखों के नीचे भी, वाटर लाइन के नीचे भी एक पिन से अप्लाई कर लेना, ताकि मेकअप अच्छी दिखे और आंखों को यहाँ पे बड़ा दिखाया गया है। मेकअप के द्वारा आंखों को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है। तो आप यहाँ पे एक वॉट देख सकते हो ना फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इस तरह से आईलाइनर लगाते हुए, क्या है कि यहाँ पे विंग्स नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो विंग्स इसलिए नहीं बनाया गया है ताकि आंखों को बड़ा दिखाना था, तो एक शेप देते हुए आईलाइनर लगाया जा रहा है जिससे कि आंखों को बड़ा बनाया जा सके। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आंखों को जो जिनके छोटे आंखें होती है उनकी आंखों को मेकअप से बड़ा कैसे करते हैं, वह मैं अगली वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी आपके लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनके फेस पे कॉन्टोरिंग भी किया जा रहा है और ब्लशिंग भी किया जा रहा है और फिर हाइलाइटिंग भी किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यह तीनों चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। तो इस तरह से कॉन्टोरिंग भी कर लेंगे और फिर ब्लशिंग भी कर लेंगे और उसके बाद हाइलाइटर भी अप्लाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनकी मेकअप लगभग कंप्लीट होने वाली है और उसके बाद लिपस्टिक लगा देंगे तो फिर फाइनल लुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइलाइटर को कहाँ कहाँ और कैसे अप्लाई करते हैं वह आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो हाइलाइटर को यहाँ पे इन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद अपर लिप पे भी अप्लाई करेंगे और फिर नोज पे भी अप्लाई करेंगे, उसके बाद फोरहेड पर भी अप्लाई करेंगे और दोनों चिक पे भी अप्लाई करेंगे। क्या है कि हाइलाइटर लगाना जरूरी होता है स्किन पे, हाइलाइटर लगाने से स्किन ग्लोइंग करती है और स्किन शाइन भी करता है। क्या है ना फ्रेंड, सारा दिन मुझे बोलते रहना पड़ता है क्लास में, बहुत सारी लड़कियां होती है ना, तो बोल बोल कर मेरे गले में खराश आ जाते हैं, इतना बोलना पड़ता है ना, बोलते बोलते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे भी बैठकर मुझे बोलना पड़ रहा है आपके लिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप थोड़े से मेहनत मेरे लिए भी कर लो ना प्लीज़। क्या है कि बस एक आपको लाइक बटन दबाना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़ फ्रेंड। क्या है कि इतनी मेहनत करती हूँ, सारा दिन क्लास में वर्क करती हूँ, फिर आपके लिए वीडियो भी लेकर आती हूँ, सारा दिन बोल बोल कर मैं थक जाती हूँ और उसके बाद आपके लिए वीडियो में भी इतना देर तक बैठकर अपना स्पीच देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। मैं अपने वॉइस के द्वारा आपको समझाती हूँ, आपको डायरेक्ट अगर दिखाऊंगी तो शायद आप समझ सको, लेकिन जब मैं बोल कर आपको समझा रही हूँ तो आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ ताकि आप भी हमें लाइक कर सको, सब्सक्राइब कर सको। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे हमें लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, कमेंट कर तो हमें ज़रूर बताना। ठीक है ना फ्रेंड्स, कमेंट कर हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे भी